हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज एस्पायरेंट्स हु हैव सक्सीडेड इन क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ दिस एचसीएस। एंड टू दोज एस्पायरेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर, फॉर देम प्लीज डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड एंड देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। आपको दोबारा चांस मिलेगा, ठीक है? तो नीड नॉट टू लूज होप। जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट आ चुकी है और कट ऑफ वगैरह क्या है, नहीं है, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और वो इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने आज आया हूँ। ध्यान ये देने की चीज़ है कि जनरल की जो कट ऑफ है, जैसे कि मैंने पेपर जिस दिन हुआ था, द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जिस दिन हुई थी, उस दिन हमने ये डिस्कस किया था कि हाँ, जो कट ऑफ जाएगी वो 65 के अबव ही जाएगी, 65 तो जाएगी। एंड एज सेड, जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो कि 68 मार्क्स, 68.50 इज द कट ऑफ इज द जनरल कट ऑफ, ठीक है? साथ ही साथ और भी जो कैटेगरीज के कट ऑफ है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है? कट ऑफ फॉर द एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो हरियाणा के अंदर है वो गई है 54.50। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर कंसर्न अबाउट द पेपर कि हाँ सर, हमारा इतना मार्क्स आया, हमारा 55 बन रहा है, हमारा 60 बन रहा है, तो क्या हम कैटेगरी में, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं? तो कंग्रेचुलेशन टू दोज पीपल हु आर वरिड कि वेदर दे विल बी एबल टू सिक्योर द प्रीलिम्स और नॉट। उनके लिए तो ये देखिए चेरी ऑन द केक आपके लिए कि 54.50 कट ऑफ है और आप आराम से सिक्योर कर पाए हो एंड यू विल बी अपियरिंग फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन, ठीक है? उसके बाद और भी कुछ, जैसे कि EWS की कैटेगरी है, वहाँ की 60 कट ऑफ है, जैसे कि BCA ऑफ हरियाणा मीन्स ये भी एक बैकवर्ड क्लास है। ए कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो 58.75 है, ये OBC की कट ऑफ है, ठीक है? अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हरियाणा के अंदर दी गई है, इसमें हरियाणा के अंदर OBC के अंदर दो कैटेगरीज है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए की 58.75 है, कैटेगरी बी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, दैट इज BCB बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा कैटेगरी बी, उसकी जो कट ऑफ है वो 66.50 है। और जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है विद इन हरियाणा, दैट इज 60.25 इज द कट ऑफ फॉर द EW इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की जो कैटेगरी है, वहाँ पे 60.25 कैटेगरी वो कट ऑफ है। तो एज सेड, मैंने पहले ही बताया था कि जो कट ऑफ रहेगा, खास करके जनरल की कट ऑफ जो रहेगी वो 60-65 के प्लस ही रहेगी। तो उसी तरह से, क्योंकि पेपर वॉज नॉट टफ, ठीक है, पेपर मोर लेस वॉज ईजी एज वी डिस्कस इन दी क्वेश्चन आंसर सेशन ऑल्सो, जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी ये चीज़ हमने बताई थी कि पेपर टफ नहीं था, पेपर वॉज मोर लेस इन एग्रीगेट वॉज ईजी। तो 60 प्लस तो कट ऑफ जाना ही था। साथ ही साथ और भी कुछ कैटेगरी हैं और सबके मार्क्स यहाँ कट ऑफ डिफाइंड है, जैसे एक्स सर्विसमैन है, ये सारे जो कैटेगरीज हैं उनकी कुछ ये सारी चीज़ें, ये कट ऑफ बाकी हरियाणा की सामने आ गई है, ठीक है? तो फिर से मैं कहूँगा कंग्रेचुलेशंस टू दोज हु आर एबल टू सिक्योर द प्रीलिम्स, ठीक है? बी प्रिपेयर्ड, पुल अप योर सॉक्स एंड बी स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द मेन्स एग्जामिनेशंस। एंड द पीपल हु आर नॉट एबल टू सिक्योर, अगेन आई एम टेलिंग देम, प्लीज स्टे मोटिवेटेड एंड देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस, ठीक है? दोबारा आपको चांस मिलेगा, दोबारा आप आराम से सिक्योर कर पाओगे। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे मोटिवेटेड, कि फॉर द टाइम बींग आपको मोटिवेटेड रहना है, मायूस नहीं होना है, नीड नॉट टू गो इन डिस्पेयर, ठीक है? साथ ही साथ पीपल दोज हुआर एबल टू सिक्योर द प्रीलिम्स, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभिमन्यु हमेशा की तरह वो मेंस की टेस्ट सीरीज लेके आया है, और वो मेंस की टेस्ट सीरीज की जो डिस्क्रिप्शन है, वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वो लिंक पे आप विजिट करें और हमारी टेस्ट सीरीज के जो फीचर्स हैं वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, वो शेड्यूल देख सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, टेस्ट किस किस टाइम पे होना है, क्या होना है, नहीं होना है, वो सब कुछ वहाँ पे उस लिंक के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ डू विजिट द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, और वहाँ से मेंस की जो टेस्ट सीरीज है
उसकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑनलाइन उसे परचेज भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है या कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल इन दैट नंबर, जो प्रिस्क्राइब नंबर गिवन इन दैट साइट, वो नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आज हरियाणा की HCS के प्रीलिम्स के रिजल्ट आए थे, और साथ ही साथ कल यस्टरडे सिविल सर्विसेज ने या UPSC ने अपनी फाइनल रिजल्ट निकाली, 2020 की फाइनल रिजल्ट। एंड अगेन अभिमन्यु वॉज एबल टू रिटेन इट्स लेगेसी एंड द हिस्ट्री वॉज रिपीटेड अगेन, और अभिमन्यु से वी गॉट मोर देन 15 सेलेक्शंस, एंड टॉप 100 में अभिमन्यु के दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, स्पेशली रैंक 69th, ठीक है, अक्षिता गुप्ता, सी वॉज एबल टू सिक्योर दी एग्जामिनेशन इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, बेस्ट, वेरी मेनी कंग्रेचुलेशन टू दोज एस्पायरेंट्स, दोज वर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, अभिमन्यु हैज अगेन मेंटेन इट्स लेगेसी, और अगेन हर हमेशा की तरह इस साल भी अभिमन्यु ने रिजल्ट दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू विजिट द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, मेन्स की जो HCS की मेन्स की तैयारी करनी है तो पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द आंसर राइटिंग, ठीक है। फॉर दैट इन ऑर्डर व्हाट टू से, कि अगर आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, इन ऑर्डर टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ इन द आंसर राइटिंग, इट्स द बेस्ट वे इज टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।